छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार, जानिए राज्य की हर चुनावी अपडेट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी जीत होगी, कौन सीएम की कुर्सी संभालेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दो चरणों में वोटिंग की जानी है। पहले चरण की वोटिंग 3 नवंबर को पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को की जाएगी, वहीं 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी बीच महादेव बेटिंग ऐप को लेकर भाजपा लगातार भूपेश बघेल और कांग्रेस पर हमलावर हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सभी 90 सीटों के पहला महा ओपिनियन पोल आपको दिखाने वाले हैं। कुल मिलाकर दोनों ही दल एक दूसरे को घेर रहे हैं और जनता को अपनी तरफ से खींचने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सत्ता को दोहराने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है जनता ने उनको राज्य की सत्ता की चाबी सौंपने का मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सभी 90 विधानसभा सीट पर किए गए सर्वे के मुताबिक प्रदेश की 68% महिलाओं ने कहा कि वो प्रत्याशी के आधार पर अपना वोट देगी, जबकि इस मामले में सिर्फ 54% पुरुषों ने कहा कि वो प्रत्याशी के आधार पर मतदान करेंगे। प्रदेश की 26% महिलाओं ने कहा कि वो पार्टी के आधार पर वोट करेगी, तो वहीं 32% पुरुष ने कहा कि वो पार्टी के आधार पर वोट करेंगे। जाहिर है सर्वे में बताया गया है कि 39% महिलाएं और 45% पुरुषों ने कहा कि वो इस बार उसी पार्टी को वोट देंगी। हालांकि इस मामले में 21% महिलाओं और 16% पुरुषों का वो समूह भी है जो इस बार किसी दूसरी पार्टी को वोट देने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा की सभी 90 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, तो आपकी स्क्रीन पर एक एक जिले और एक एक सीट का विश्लेषण करके आपको जनता की राय आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है कबीरधाम। कबीरधाम की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। कोकेर जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। कोरबा जिले की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से अब तक 9 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता के लिए आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का तमें 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी का तमें 3 सीटें और अन्य पार्टी का तमें यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। इसलिए आज से देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर पीछे चल रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई जा रही है। दोस्तों, वहीं बात कर ली जाए कोरिया की, 3 विधानसभा सीट आती है, 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जसपुर की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा सब होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे जागीर चंपा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 विधानसभा सीट के साथ अब बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दंतेवाड़ा की, दंतेवाड़ा में 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से और बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में सभी 6 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। धमतरी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से और बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 31 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग साथ अब बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दंतेवाड़ा की, दंतेवाड़ा में 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है।
दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीट 6 में से और बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में सभी 6 की 6 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। धमतरी की 3 विधानसभा सीटें 3 में से और बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 31 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 26 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 31 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ 16 विधानसभा सीट जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी पर 14 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बताई जा रही है। चलिए दोस्तों यार बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि बिलासपुर की। बिलासपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भूपेश बघेल को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बस्तर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट यानी कि बस्तर में सभी 3 की 3 विधानसभा सीट के साथ भारतीय कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी लीड मार रही है, यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छा खासा बहुमत प्राप्त हो सकता है बस्तर में। महासमुंद में 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट के साथ अच्छी खासी लीड मार रही है। कांग्रेस पार्टी का 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से आधी सीट यानी कि 45 विधानसभा सीट के साथ ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का तमें 23 सीट यानी कि 2 सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी तो 1 सीट यानी कि 2 सीट से पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 21 सीटों पर सिमरती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का तमें 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। रायगढ़ की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। रायपुर की 7 विधानसभा सीटें 7 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 35 विधानसभा सीट के साथ अच्छी खासी लीड मार रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 26 विधानसभा सीट के साथ सेकंड लार्जेस्ट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। सरगुजा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बलौदा बाजार की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बालोद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 72 यानी कि 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो 90 में से 72 विधानसभा सीट में से 41 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी को 41 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 28 और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का तमें 1, कांग्रेस पार्टी का तमें 1 सीट और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बेमतराय की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। सूरजपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का तमें 0 और अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से अब तक 79 सीट का ओपिनियन पोल यानी कि 79 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 45 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि मात्र 1 सीट से पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में। तो यहाँ पर 31 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं गरियाबंद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से और बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, सुकमा की 1 विधानसभा सीट और 1 की विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 47 विधानसभा सीट के साथ पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 34 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है।
कोडगांव की दो विधानसभा सीट है, दो में से एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। नारायणपुर की एक विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बीजापुर की एक विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 88 विधानसभा सीट का ओपिनियन बुलाने की जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 49 सीटें और 36 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कोरिल्डा पेड्रा मरवाई की दो विधानसभा सीटें, दोनों ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी का तमें 0 और अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 90 में से 49 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 36 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी का तमें 5 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है 2023 के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ में किसकी बनने जा रही है सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के कमेंट बॉक्स में आपका शेयर और आपके राज्य का नाम और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।